नमस्कारम, आप सभी का आनंदमय जीवन में स्वागत है। आज हम ईसा लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे। अनबॉक्स करते हैं, पैकिंग अच्छी है, बिल है ये। सबसे पहले हम आपको आदि युगी का स्टैचू दिखाएंगे, जो ईसा योग सेंटर में बनी मूर्ति का छोटा स्वरूप है। बहुत ही अच्छी पैकिंग की गई है, ब्लैक कॉटन से लपेटा गया है मूर्ति को। इस प्रतिमा को देखकर मन शांत हो जाता है और भक्ति में हो जाता है। बहुत ही अच्छी प्रतिमा है। चंद्रमा पर छोटे छोटे स्पंज लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है चारों तरफ से। यौगिक परंपरा में भगवान शिव को पहला योगी या आदि योगी माना जाता है। योग का प्रवर्तक जिन्होंने विश्व को योग का ज्ञान दिया। ईसा योग सेंटर कोयम्बटूर में आदियुगी की 112 फीट प्रतिमा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट मूर्ति कला के रूप में मान्यता दी गई है। यह देवी मूर्ति भलाई और किसी की परम प्रकृति को प्राप्त करने के 112 तरीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती है। आप भी अपने घर के लिए इसे जरूर मनाएं। और दूसरा प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली नीम कॉम। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है ये, काफ़ी ड्यूरेबल है। आप सभी जानते हैं कि नीम कितना बेनिफिशियल होता है। यह बालों के फंगल ग्रोथ को कम करता है, डेंडे प्रोड्यूस करता है, और इसके जो राउंडेड टिप हैं वो जेंटल मसाज करते हैं स्कैल्प को, जिससे आपके बालों में ग्रोथ भी होती है। इची स्कैल्प पे रिलीव करता है और ऑयल प्रोडक्शन को कम करके बालों को ग्रोथ करने में बहुत ही सहायता करता है। मार्केट में जो प्लास्टिक की जो कॉम आती है वो बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए आप लोग इस नीम से बनी कॉम का इस्तेमाल करें, बालों को स्वस्थ करें। और ये तीसरा प्रोडक्ट है केश ज्योति। ये हर्बल हेयर वॉश पाउडर है। जिन लोगों को बालों में डैंड्रफ वगैरह इची स्कैल्प की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उन सभी को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इस्तेमाल करने का आसान तरीका है, आपको 2 चम्मच इसको रात में भिगो देना है नॉर्मल पानी के साथ में मिक्स करके थिक पेस्ट के साथ, और इसको सुबह में अप्लाई करके बालों में, और आधे एक घंटे के बाद इसको धुलकर वॉश कर ले बालों को, बहुत ही मुलायम जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और ये चौथा प्रोडक्ट है ईशा हर्बल टूथ पाउडर। इसमें नीम, तुलसी, कपूर, क्लोव ऑयल जैसे जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। इसके एक इस्तेमाल से ही दांतों में चमक और माउथ में बहुत फ्रेशनेस आ जाती है। आप लोग अपने माता पिता को जरूर इसको दें। इसका बाकी पेस्ट वगैरह से मार्केट के कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मात्र 40 रुपये में ये बहुत ही अच्छा है। आप सभी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये पांचवा प्रोडक्ट है त्रिफला टैबलेट। त्रिफला टैबलेट 3 फलों आंवला, हरेड़ा और बरेड़ा से मिल के बना होता है। ये वात, पित्त और कफ त्रिदोषों को संतुलित करने में सहायता करता है। इसे किसी भी वर्ग के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों के लिए, आँखों के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। ये छठवां प्रोडक्ट है जिसका नाम है निलोबेम्बू कैल्शियम टैबलेट। ये एक सिद्ध मेडिसिन है। निलोबेम्बू कैल्शियम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चिरैता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल 9 हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए, जो फीवर को रिड्यूस करने में एनालजेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड के टाइम वायरल फीवर में हम लोगों ने खुद इसका इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे फायदे देखे हैं। इसके इस्तेमाल से आपको किसी भी अंग्रेजी दवाइयों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ फीवर को रिड्यूस करके आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो में बने रहें, ऐसे ही और भी अच्छे प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। और ये सातवां प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली हर्बल अगरबत्ती, जो जास्मिन फ्रेग्रेंट में है। इको फ्रेंडली पैकिंग है, प्लास्टिक का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आजकल मार्केट में मिलने वाली अगरबत्तियों में बांस और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां प्रोडक्ट है स्नेक कॉपर रिंग, जिसे मेल और फीमेल दोनों को ही लेफ्ट हाथ की अनामिका उंगली में पहना जाता है।
यौगिक परंपराओं में अनामिका की अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए कुमकुम को भी इसी उंगली से लगाया जाता है। साधक द्वारा अनामिका पर तांबे या चांदी से बने धातु की अंगूठी पहनने से वह शरीर को स्थिर करती है, सभी ऊर्जाओं को बैलेंस करती है और उनको बढ़ाती है। इसे सदगुरु के मार्गदर्शन में ईशा योग सेंटर में बनाया गया है, जो अभिषेक की प्रक्रिया से गुजरती है। इसे सभी लोग पहन सकते हैं। यह है ध्यान लिंग पेंडेंट। ध्यान लिंग ईशा योग सेंटर में गहन ध्यान के लिए बनाया गया स्थल है, जिसमें ध्यान लिंग स्थापित है। संस्कृत में ध्यान का अर्थ है ध्यान और लिंग का अर्थ है रूप। ध्यान का एक रूप, इसकी उपस्थिति और इसके दायरे में रहने पर आपको सहज ही ध्यान की अवस्था का अनुभव सहज ही हो जाता है। इसी ध्यानलिंग मंदिर में एक निश्चित समय के लिए अभिषेक के द्वारा तैयार किया गया है। ये साधक को ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए बहुत ही सहायक है। इसका उपयोग आपकी ग्रहणशीलता को, उच्च ऊर्जा और आपके आंतरिक विकास को बढ़ा सकता है। इसे आपने अपने गले में काले धागे में डालकर पहन सकते हैं। इसे किसी विश्वास या धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। आप पहनने के लिए किसी पूजा अनुष्ठान या प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। इसे आप सिंपली पहन सकते हैं। ये आपकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को और भी ज़्यादा ग्रहणशील बनाने की में आपकी सहायता करेगा। योगियों का 15,000 साल पुराना सपना, जिसे सदगुरु ने पूरा किया सभी के कल्याण के लिए। ये भी ध्यान लिंग का ही लॉकेट है, जिसमें ध्यान लिंग का फोटो बना हुआ है और इसके साथ एक रेड कलर का रेशमी धागा आता है, जिसे आप अपने गले में पहन सकते हैं। कोई भी इसे पहन सकता है। आशा है आप सभी को ये सभी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अपने देश और सभ्यता को बचाए रखें, स्वदेशी का इस्तेमाल करें। आप सभी का वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।